हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। हॉरर मूवी एक ऐसा जॉनर है जो सभी को पसंद आता है। हालांकि इस पे फिल्में बहुत ही कम बनती हैं, इसका कारण ये बिल्कुल नहीं है कि भारत में हॉरर जॉनर के दर्शकों की कोई कमी है, बल्कि इसके ना चल पाने के पीछे कारण कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की कमी होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ टॉप 5 बॉलीवुड हॉरर मूवीज़ की मेरी लिस्ट। लेट्स टेक अ लुक। नंबर 5 पर है 1920। इस मूवी में सब कुछ है। दरवाजे का धीमे से खुलना, शावर में से खून आना और डरावने चेहरे, जो एक हॉरर मूवी के लिए ज़रूरी है। फिल्म की कहानी 1920 में सेट की गई है, जहां एक कपल एक बड़ी हवेली में रुकने आता है, जैसा कि ज़्यादातर ही हॉरर फिल्मों में होता है, और वहां उनका एनकाउंटर एक स्पिरिट से हो जाता है। नंबर 4 पर है भूत। यह मूवी रामगोपाल वर्मा की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, या ये कहना चाहिए कि यही एक अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। फिल्म में गजब का बैकग्राउंड स्कोर है, उर्मिला की एक्टिंग दमदार है। नंबर 3 पर है भूल भुलैया। सिद्धार्थ का किरदार निभा रहे अक्षय कुमार, जो US में रहते हैं, जब वह अपने दोस्त से मिलने इंडिया आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त का परिवार भूत प्रेतों में बहुत विश्वास रखता है। वह उन पर हंसते हैं, पर जल्द ही कुछ ऐसा होता है जिससे भूत प्रेतों को ना मानने वाले सिद्धार्थ का विश्वास भी टगमगा जाता है। नंबर 2 पर है रात। 1992 में आई इस फिल्म ने बिल्लियों को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। जब शर्मा परिवार एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, तब उनकी बड़ी बेटी मिन्नी अजीब हरकतें करने लगती है। ओमपुरी, जो एक तांत्रिक का किरदार निभा रहे हैं, बताते हैं कि उस पर एक साया है। और दोस्तों, नंबर 1 पर है राज। राज वह मूवी है जिसने यह मिथ तोड़ा कि हॉरर मूवीज बिजनेस नहीं कर सकती। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं, इसे तो नंबर 1 होना ही था। फ्रेंड्स, कुछ फिल्में इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई, पर वह भी उतनी ही अच्छी मानी जाती हैं, जिन्हें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताएं, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।